गोत्र थे वो न्याय से प्रेम करते नहीं थे, इसलिए परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। और जब परमेश्वर जिससे प्रेम नहीं करता उसे अपने शासन में कैसे ले लेगा, उसे अपने राज्य में कैसे ले लेगा, उसे कैसे अपने राज्य में बैठा कर अपने साथ शासन पर बैठाएगा? असंभव, हो ही नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम तीसरे खंड में हैं, जहां परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक के बारे में है। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 7:2 से लेकर 4 तक के विषय में सीखा था। 144,000 जो इजरायली लोग हैं जिन पर परमेश्वर ने मोहर की है, और परमेश्वर की मोहर के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 उसके 5 से लेकर 8 तक के विषय में जो है हम सीखेंगे। इस सबसे पहले जो है हम इसके विषय में जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 और उसका 5 से लेकर 8 तक के विषय में, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, अशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनशिशे के गोत्र में से 12,000 पर, शिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जुबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। ये परमेश्वर के जो 12 गोत्रों में से लोग चुने गए हैं, 12,000 हर गोत्र में से 12,000 लोग चुने गए हैं, और ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। ये वो चुने हुए लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए जो है अपने जीवन को बलिदान कर दिया या मारे गए जो है, और वो जो है बहुत बड़े महाकलेश काल में से निकल कर जो आए हैं उनके ऊपर जो है परमेश्वर ने मोहर की है। इस बात का ध्यान रखें। मगर इस एक बात बड़ा ध्यान रखें, ये जो गोत्रों के नाम यहाँ 12 याकूब के सभी 12 गोत्रों पर जो है आप मोहर की गई आप सुन रहे हैं, याकूब के जो 12 गोत्र हैं सभी 12 गोत्रों पर मोहर नहीं की गई है, ये ध्यान रखें। अब आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, आपने तो अभी पढ़ा है 12 गोत्रों पर जो है हर 12 गोत्रों के नाम आपने पढ़े हैं। जी हाँ, मैंने नाम जरूर पढ़े हैं, परंतु इसमें से एक गोत्र जो है बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और उसकी जगह परमेश्वर ने गोत्र बनाकर किसी और को रखा है। अब वो कौन है इसको जानना है, उस रहस्य को भी जानना है और उसके भेद को भी समझना है। और इसको समझने के लिए हमें पुराने नियम में वहां से शुरू करना है जो इज़राइल के 12 गोत्र हैं। पहले आप इज़राइल को समझें। देखिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब उत्पत्ति में आप याकूब के बारे में पढ़ेंगे और जब वो सरदूत से रात भर लड़ता है और सरदूत उस पर प्रबल नहीं होता है और वो उसकी एक नस को छूता है जो खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो वो कहता है कि तू अपना नाम बता। बोला मेरा नाम क्यों पूछता है। वहां पर जो है याकूब का जो नाम रखा जाता है वो इज़राइल रखा जाता है। जी हाँ, और इसलिए इज़राइल यानी याकूब के 12 बेटे जो हुए हैं वो 12 गोत्र हुए। अब पहले याकूब के 12 बेटे यानी जिनसे 12 गोत्र बने हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, उत्पत्ति 29:31-35 पढ़ेंगे। याकूब और लिया से जो संतानें उत्पन्न हुई हैं, रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा। उसके बाद उत्पत्ति 30:14-21 तक पढ़ेंगे, तो यहां पर जो है इसाकार, जुबलून और एक पुत्री जो दीना हुई है वो उसे, ये लिया से जो है ये संतानें पैदा हुई हैं। फिर उत्पत्ति 30:22-24, उत्पत्ति 35:16-21 तक पढ़ेंगे, तो याकूब और राहेल की जो संतानें हुई हैं वो यूसुफ और बिन्यामीन हुई है, यानी राहेल से जो उत्पन्न हुई है वो ये दो ही पुत्र हुए हैं। फिर उत्पत्ति 30:1-8 तक जब आप पढ़ेंगे तो यहल की जो दासी थी विला,
उससे जो है उससे दो पुत्र हुए हैं, दान और नप्ताली। ध्यान दीजिएगा, फिर उत्पत्ति 30:9-24 तक पढ़ेंगे तो या की जो दासी थी जिल्पा, उससे जो है गाद और आशेर जो है वो पुत्र, जो दो पुत्र हुए हैं वही। इस तरीके से 12 जो याकूब से बेटे पैदा हुए हैं जिनसे 12 गोत्र बने हैं, वो लिया से, राहेल से, लिया की दासी से और राहेल की दासी से जो है ये 12 बेटे उत्पन्न हुए हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो है जब आप उत्पत्ति 49:1-27 पद तक पढ़ेंगे तो याकूब अपने 12 पुत्रों के लिए भविष्यवाणी करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, चैप्टर है उत्पत्ति 49:1-27 तक जब आप पढ़ेंगे। याकूब अपने 12 बेटों के लिए भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, उनका जीवन कैसा होगा, उनके गोत्र की स्थिति और परिस्थितियां कैसी होंगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर जब आप गिनती 1:1-16 पद तक पढ़ेंगे तो यहां इसराइलियों की जो थी पहली गणना की गई है, यानी उनका जो है उनकी गिनती जो है वो की गई है। यहां पर जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, परंतु यूसुफ और लेवी के स्थान पर एप्रेम और मनशशे का नाम आया है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो थे यूसुफ के पुत्र थे, ये ध्यान रखिएगा। यूसुफ जो है, यूसुफ और लेवी के स्थान पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लेवी जो थे वो इसराइलियों के साथ गिने नहीं जाते थे। और यहां पर जो है यूसुफ के जो दो बेटे जो मिस्र के अंदर पैदा हुए थे वो एप्रेम और मनशशे थे, इनको ध्यान में रखिएगा। उत्पत्ति 46:20 पद पढ़ेंगे, मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी असनत से यूसुफ के वो दो पुत्र उत्पन्न हुए, मनशशे और एप्रेम जो थे। दोनों को गोत्र बनाने की परमेश्वर की योजना क्या थी? देखो, परमेश्वर को इज़राइली गोत्र में रखने की योजना थी, क्यों थी ये ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा है उत्पत्ति 48:5 उसका 5 पद, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मेन चीज पढ़ रहा हूं। जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रेम और मनशशे भी मेरे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कहोगे ना कि किस गोत्र का नाम जो है बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर दिया। यहां लिखा जिस रीति से, जिस रीति का अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा के रूबेन और शिमोन पुत्र हैं, अर्थात गोत्र हैं, ठीक है। उसी रीति से, उसी प्रकार से, उसी आधार पर एप्रेम और मनशशे भी मेरी प्रजा के पुत्र और या मेरे गोत्र हैं, अर्थात मेरे चुने हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर गिनती 1:47-38 पद तक पढ़ेंगे, यहां पर जो है लेवियों की गिनती इसराइलियों के साथ नहीं की जाती थी। अब ध्यान दीजिएगा, गिनती 1:17-54 तक 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नाम की गिनती जो है वो वंशावली में की जाती थी या लिखवाई जाती थी। यहां पर ध्यान देने की बातें हैं। अब गिनती 2:1-34, क्योंकि जब तक आप गोत्र को नहीं समझेंगे, इज़राइल के गोत्रों को नहीं समझेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रकाशित वाक्य के अंदर जो है, प्रकाशित वाक्य 7 में जो मोहर की गई है, एक गोत्र के ऊपर जो है मोहर नहीं की गई, उसके एक, उस गोत्र के किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर भी मोहर नहीं की गई है, ये समझना है। और जब इसको समझ जाएंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें उन गोत्रों को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां गिनती 2:1-34 तक पढ़ेंगे, छावनी में इज़राइल के 12 गोत्रों को क्रम से चारों दिशाओं में रखा गया। अब किसको रखा गया? पूर्व दिशा में यहूदा, इसाकार और जुबलून को रखा गया, दक्षिण दिशा में रूबेन, शिमोन और गाद को रखा गया, पश्चिम दिशा में एप्रेम, मनशशे, विन्यामीन, मनशशे और एप्रेम यूसुफ के पुत्र, ठीक है। उत्तर दिशा में दान, आशेर और नप्ताली को रखा गया, ठीक है। यहां पर जो है लेवी और यूसुफ का नाम जो है ऐड नहीं है, लेवी और यूसुफ का, इन दोनों का नाम नहीं है। परंतु जब आप पहला इतिहास 2:1-2 पद तक पढ़ेंगे तो उसमें मनशशे का नाम नहीं है,
याकूब के उन्हीं पुत्रों के नाम हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में दिए गए हैं, इसलिए इसमें यूसुफ का नाम जो है, यूसुफ का नाम है परंतु मनश्शे का नाम नहीं, मनश्शे की जगह यूसुफ का नाम आया। अब हम आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय उसके 5 से 8 पद में। जब आप इसको देखेंगे कि 12,000 में से सबको चुना गया है, अब यहां पर जो है जिस गोत्र का नाम नहीं है वो खोलने जा रहा हूं, उस गोत्र का नाम है दान। जी हां, अब दान की जगह जो है मनश्शे को रखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको, इसलिए मैंने वो रेफरेंस दिए ताकि आप घर में बैठकर उन रेफरेंस को निकालें और आप जो है पढ़ सकते हैं। हम जो है इस दान के विषय में एक भविष्यवाणी पढ़ते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था ना कि जो उत्पत्ति 49 अध्याय है उसको, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें याकूब ने अपने 12 बेटों को लेकर भविष्यवाणी की है, और यहां पर जो दान के विषय में भविष्यवाणी की है, उत्पत्ति 49 अध्याय 16 से 17 पद तक ध्यान दीजिएगा। अब दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा, वो न्यायाधीश था, है परमेश्वर ने उसे न्यायाधीश बनाया था। 17वां पद, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को दसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। अब यहां पर जो है दान को, दान के गोत्र को जो है परमेश्वर ने न्याय का काम सौंपा था कि इसराइलियों का, समस्त इसराइलियों का ये न्याय करेगा। परंतु दान जो था उसका करेक्टर चेंज हो जाता है, उसके करेक्टर में क्या आ जाता है, विषैलापन आ जाता है, उसके न्याय में विषैलापन आ जाता है, और वो बहुत से जीवनों को बर्बाद कर देता है। इसलिए उसे सांप या रास्ते में का एक नाग या सांप कहा गया है कि वो कैसे डसता है, यानी तेज चलने वाले घोड़े की नाल को भी डस लेता है। मतलब किस तरीके से भयंकर परिणाम जो है वो उसके जो है, उसके विषैलेपन के जो है उसकी प्रजा, इज़राइल प्रजा को जो है भुगतने पड़ रहे हैं। यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। फिर क्या कहता है अय्यूब 34 उसका 17 पद में, मैं न्याय के बारे में बात कर रहा हूं, जो न्याय का बैरी हो क्या वह शासन करे, जो पूर्ण धर्मी है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो न्याय का बैरी हो क्या वो शासन कर सकता है। अब ये जो 144,000 हैं, ये मेमने के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे, मगर जो न्याय का बैरी हो वो शासन नहीं करेगा। इसलिए दान का नाम काटा गया और उसकी जगह मनश्शे का, जो यूसुफ का पुत्र था, उसको रखा गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, भजन संहिता 37 और उसका 28 पद है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा, उनकी रक्षा सदा होती है परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। अब परमेश्वर न्याय से प्रेम करता है, जो न्याय करता है, अगर आपके जीवन में न्याय है, आप सटीक न्याय करते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उंडेला जाएगा। परंतु जो दान के गोत्र थे वो न्याय से प्रेम करते नहीं थे, इसलिए परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। और जब परमेश्वर जिससे प्रेम नहीं करता उसे अपने शासन में कैसे ले लेगा, उसे अपने राज्य में कैसे ले लेगा, उसे कैसे अपने राज्य में बैठाकर अपने साथ सिंहासन पर बैठाएगा, असंभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए दान का नाम जो है वो वहां पर नहीं है। अब यहां पर जो है यूहन्ना 7 उसके 24 पद में लिखा है, मुंह देखा न्याय ना करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। देखिए, न्याय की बात हो रही, मुंह देखा न्याय ना करो। और हबक्कूक 1:4 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता है, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। ये खूनी हैं, और एक खूनी परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो सकता है, परमेश्वर के राज में वो नहीं पहुंच सकता है। फिर क्या लिखा है, यशाया 10:1 में, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते, उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। तो परमेश्वर, देखिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। फिर क्या कहता है अमोस 5:7 में, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। यहां पर क्या लिखा है, यहां देखिए न्याय के विषय में परमेश्वर कह रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि न्याय जो नहीं करता है, अगर आपके जीवन में न्याय नहीं है तो आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। भाई ये जरूरी थोड़ी कि आप किसी अदालत के जज बने,
तभी आप न्याय करेंगे या वकील बनकर न्याय करेंगे, नहीं, आप अपने परिवार का न्याय करें, आप अपने मोहल्ले पड़ोस में अपने रहने वालों का न्याय करें, नातेदार रिश्तेदारों के बीच में आपका न्याय प्रकट होना चाहिए, आपके परिवार में आपका न्याय प्रकट होना चाहिए, आप जहां काम करते हैं वहां आपका न्याय प्रकट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं है। मैं फिर बताना चाहूंगा यहां पर जो चुने गए हैं, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में जो चुने गए हैं, यहूदा के गोत्र से, रूबेन के गोत्र से, गाद के गोत्र से, आशेर के गोत्र से, नप्ताली के गोत्र से, मनशशे के गोत्र से, शिमोन के गोत्र से, लेवी के गोत्र से, इसाकार के गोत्र से, जुबलून के गोत्र से, यूसुफ के गोत्र से और बिन्यामीन के गोत्र से, ये चुने गए। यहां पर दान का नाम जो है वो नहीं है, क्योंकि दान जो था उसने परमेश्वर के न्याय को बिगाड़, इसलिए वो शासन कर नहीं सकता था और इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम नहीं लिखा। हम भी परमेश्वर के राज में तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे जीवन में एक सच्चा और सही न्याय जो परमेश्वर करता जैसा परमेश्वर चाहता, अगर वो नहीं होगा हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। फैसला आपके हाथ में है कि आप कैसे न्यायाधीश बन सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।